हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल बफ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे भूटान वाले वीडियोस में आपने भूटान को तो जान लिया, पर एक बात और है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और वह है कि भूटान में आपका इंडिया वाला सिम कार्ड काम करेगा या नहीं, और अगर काम नहीं करेगा तो भूटान का कौन सा सिम आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप बाई रोड यानी जयगांव होते हुए फुएंट शोलिंग से भूटान में प्रवेश करते हैं तो फुएंट शोलिंग में तो आपका सिम काम करेगा, पर जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। इसलिए बेहतर होगा आप भूटान का ही एक सिम खरीद ले। वहां आपको दो कंपनियों के सिम मिल जाएंगे, पहला बी मोबाइल जो कि एक सरकारी कंपनी है, और दूसरा है ताशी सेल। फुएंट शोलिंग इमिग्रेशन ऑफिस में ही आपको बी मोबाइल टेलीकॉम का सिम मिल जाएगा, और बाहर कोई भी मोबाइल या रिचार्ज की दुकान में आपको दोनों ही सिम आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके लिए आपको 150 से 200 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। अगर हमारी माने तो आप ताशी सेल का सिम ही लीजिएगा। इसका नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी अच्छा है। हाँ, इंटरनेट के डेटा के लिए आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। भूटान से इंडिया का कॉल चार्ज 4 रुपए प्रति मिनट है। सिम लेने के लिए आपको अपने किसी भी एक आई कार्ड का जेरोक्स और एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। आई कार्ड के रूप में आप वोटर आईडी या पासपोर्ट की कॉपी या फिर इमिग्रेशन ऑफिस से मिले भूटान के परमिट की कॉपी को देखकर सिम ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से भूटान जा रहे हैं तो आपको सिम फ्लाइट में भी मिल जाएगा, पर हमारी माने तो आप फ्लाइट से सिम ना खरीदे, क्योंकि वहाँ आपको सिम के लिए काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ जाएगी। बेहतर होगा आप बाहर से ही सिम खरीदे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।